हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे, ईयर 2019 में, दिसंबर 2019 में। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सॉल्व करके जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन अभी आपके अवेलेबल नहीं है एज सच नेट पे, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस जितनी भी हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ नाम के एक टाइटल में, एक प्लेलिस्ट में सारे कंपाइल किए हुए हैं। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था, एवरेज नॉइस लेवल्स इन हैवी ट्रैफिक जोन इन मेजर सिटीज़ इन इंडिया आर जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ नॉइस लेवल। ये पूछा हुआ है कि जो भारत में जितने भी हाई ट्रैफिक जोन वाली सिटीज़ हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका मेट्रो सिटीज़ हो गई, वहाँ पर जो जनरली आपकी रेंज होती है नॉइस लेवल की, वो कितनी होती है, एवरेज नॉइस लेवल की रेंज पूछी हुई है। तो राइट आंसर है इसका थर्ड, दैट इज़ 70 to 95 dBA। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिबल में ये होता है, ये नॉइस लेवल होता है, और इसमें बताया हुआ है कि 70 to 95 dBA इसकी जो ट्रैफिक जोन में, जो हैवी ट्रैफिक जोन्स हैं वहाँ की नॉइस लेवल होनी चाहिए, जो कि होती है, जो कि प्रिस्क्राइब से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर हम प्रिस्क्राइब की बात करें कि एक प्रिस्क्राइब जो लेवल होता है नॉइस का वो कितना होना चाहिए, तो उससे ये बहुत ज़्यादा आपका लेवल होता है। ओके, तो मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की कि प्रिस्क्राइब जोन क्या है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल जोन की बात करें तो 75 होता है इंडस्ट्रियल जोन में, कॉमर्शियल जोन में 65 होता है, रेजिडेंशियल जोन में जो होता है वो 55 होता है, एंड साइलेंट जोन में 50 होता है। तो अलग अलग जोन्स में हमने ये डिवाइड किया हुआ है पूरे कंट्री को, और उसके बाद जो आपका जो भी जिस जो एरिया है वो कौन से जोन में आता है, वहाँ पर उससे ज़्यादा आप नॉइज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम हैवी ट्रैफिक जोन की भी बात करें तो वहाँ पर एटलीस्ट 70 होना चाहिए, बट अभी जो है 70 होती है नाइट टाइम में और 75 होता है डे टाइम में, जो लिमिट होती है। बट मोस्टली अगर हम देखें तो 70 to 95 ये रेंज चाहती है। तो इतना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने अभी भी जो बताया आपको, डिफरेंट लेवल्स जो मैंने बताए वो आप ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल जोन के लिए 75 होता है, ठीक है, डे टाइम में, और नाइट टाइम में 70 होता है। कॉमर्शियल जोन के लिए 65 होता है डे टाइम में, एंड नाइट टाइम में 55 होता है। रेजिडेंशियल जोन के लिए 55 होता है डे टाइम में, और नाइट टाइम में 45 होता है। एंड साइलेंट जोन के लिए 50 होता है डे टाइम में, एंड नाइट टाइम में 40 होता है। तो ये डिफरेंट आपके नॉइज लेवल हैं, परमिसेबल नॉइज लेवल है, जो कि डिफरेंट एरियाज़ के बेसिस पे, डिफरेंट जोन्स के बेसिस पे डिस्क्राइब किए गए हैं। जोन्स आपकी किस तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, इंडस्ट्रियल जोन, कॉमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन एंड साइलेंट जोन। तो ये अगेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अगेन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, SDGs आपने पढ़े हुए हैं, SDGs पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ था कि इसमें आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कौन से आपके SDGs गोल हैं। तो राइट आंसर में आपका जीरो हंगर हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो जाएगा, एंड क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, ग्रीन एजुकेशन, ग्रीन एग्रीकल्चर और आपका यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये नहीं आता है आपके। क्वालिटी एजुकेशन आता है SDGs में, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन नहीं आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू, मैंने आपको बताया था कि जैसे मॉन्ट्रियल का नाम सुनिए वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओजोन से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल मतलब ओजोन, ओजोन मतलब मॉन्ट्रियल, इतना याद रखेंगे तो कभी भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कभी भी क्वेश्चन कोई भी गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं कहाँ पे ओजोन वर्ड मेंशन है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन टू में, फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशिंग सब्सटेंसेस, ओजोन का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर, आपको अब आगे कुछ भी नहीं देखना है, बाकी जगह कहीं पर भी ओजोन नहीं है। अगर किसी और ऑप्शन में ओजोन दिया होता तो फिर हम देखते कि क्या बात इन्होंने करी है, बट यहाँ पर कहीं पर भी ओजोन लेयर का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है। तो राइट आंसर आपका टू हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, इन विच कैटेगरी कोचिन
इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैव बीन कॉन्फर्ड द यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। अब ये आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था 2019 दिसंबर में कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब कॉन्फर्ड किया गया यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से। और ये करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट आई थिंक आपकी सेप्टेम्बर अगस्त के टाइम का है ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है। और राइट आंसर है आपका सेकेंड, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल विजन। एंटरप्रेन्योरियल विजन के नाम पर कोचिन एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूएन के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड को दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक पूछा गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये स्पेशली मैं इसलिए बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स का पूछा गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, मैम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ, इस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, आपने खुद देखा अपने सामने एग्जाम में, लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ है वहाँ पर भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत क्वेश्चन होता है, तो मोस्टली वन से टू क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, मैक्सिमम टू आते हैं, मिनिमम वन आता है। एक चीज़ और है, देखिए जो ये टॉपिक आता भी है ना, जितना भी आपका पेपर डेवलपमेंट है आपका, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें करंट अफेयर्स किस तरीके से और ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि करंट में किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे अगर अभी हम देखें तो इस वक्त हम किस चीज़ की बात करें, हम सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की बात करें। तो अभी आपका क्या चीज़ आ सकता है, अभी आपका वायरस, बैक्टीरिया, इस तरीके के टॉपिक के करंट अफेयर्स पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। या करंट अफेयर्स कहे हम, या ये बोले कि बैक्टीरिया एंड वायरस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन भी है वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये फोकस करना होता है कि करंट में कौन से टॉपिक, कौन सा टॉपिक ज़्यादा चल रहा है, या किस टॉपिक पे आपके ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, उसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन, आपके नॉर्मल क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड आपके होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, इसमें आपका टू सेट्स दिया हुआ है, एक गवर्नमेंट दिया है, दूसरा उनकी डिफरेंट टाइप की आपकी मिशंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, अगर आप सेम उसी स्टेट में रह रहे हैं तब तो आपको थोड़ा नॉलेज होता है, या फिर आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, आपने हमेशा रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपका ये इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। तो ये भी आपका समहाउ करंट अफेयर्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन सा अभियान, कौन सा मिशन था वहाँ पर, तो मैं ऑप्शन आपको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर टैली कराती हूँ। ए का है राइट आंसर थर्ड, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा नीति संरक्षणा उद्यानम, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश का एक मिशन है। नेक्स्ट है आपका बी का है फोर्थ, दैट इज गुजरात, गुजरात का है सुजलम सुफलम जल अभियान। उसी तरह आपका थर्ड है दैट इज महाराष्ट्र, सी का सेकंड, दैट इज जलयुक्त स्वीकार अभियान, ये आपका महाराष्ट्र का हो गया। एंड राजस्थान का है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है ये भी कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन का आपका ये रिस्क वाला क्वेश्चन होता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपने बेसिक नॉलेज तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, आप उतने अपडेटेड नहीं हैं, आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, और कभी कभी अगर आपको इसमें तीन में से दो भी आपको पता होता, चार में से दो भी आपको पता होता, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते ट्रिक लगाकर कि किस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये एक तरीका होता है। तो यहाँ पर मतलब दो इस तरीके के क्वेश्चन को हम रिस्क लेकर चलते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स पढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो तो करंट अफेयर्स पढ़िए, स्पेशली जो गवर्नमेंट के मिशंस हैं, और स्पेशली वो मिशंस जो कि आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पीपल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो आपको स्पेशल फोकस करना होगा। इन क्वेश्चंस को मैं कवर कराती हूँ आपके करंट अफेयर्स में, इन टॉपिक्स को मैं कवर कराती हूँ आपके करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी उसको देखते रहिएगा, उससे आप अपडेटेड रह पाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन थे पीपल एनवायरमेंट के, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी कॉमेंट है, कुछ भी अपनी ओपिनियन देना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।